क्वेश्चन वन में हमें इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 140। 140 का 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो वहां पर हम जानते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 5, 7 है ना, 11। तो 140 को हम डिवाइड करेंगे, जो भी पहला प्राइम नंबर कौन सा दिमाग में आया, 2। तो हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में देखो इवन नंबर है, 0 तो इवन नंबर होता है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। जब भी लास्ट में इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखा 2, 2, 7 जा कितना होता है 14 और 0, 0 ऐसा आएगा, तो 72 जा 140 है ना। ये भी देखो लास्ट में 0 है, 0 तो इवन नंबर होता है, जो इसके लास्ट में इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, 2 प्राइम नंबर है। तो 2 से इसको भी किया तो 35, 2 जा 70 होता है ना, 2, 3 जा 6 बचा 1, फिर 0, 2, 5 जा 10। उसी तरह ये देखो, अब ये तो अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद, 3। तो ये लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या, तो हर नंबर को ऐड करते हैं, जो भी इंडिविजुअल नंबर है अलग अलग नंबर को ऐड किया, तो 5 + 3 कितना होता है 8। 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, तो 5 से चेक किया, तो देखो लास्ट में 5 है, तो 5 तो 5 से डिविजिबल है, इसीलिए ये 5 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो 5, 7 जो हम जानते हैं 35 होता है 7, तो 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसको क्या डिवाइड करना, छोड़ो इसको। तो अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 2 लिखा, इंटू में 2 लिखा, फिर इंटू में 5 लिखा, फिर इंटू में 7 लिखा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और हो सकता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 दो बार लिखा हुआ है, तो 2 के सर पे 2 लिख दिया, इंटू में 5 पहले से है, इंटू में 7। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। उसी तरह से सेकंड पार्ट है 156। तो 156 के साथ भी शुरू हो गए। तो 156 को देखो, पहला प्राइम नंबर दिमाग में आता है 2, 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, तो 2 से 6 देखो इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर तो वो हमेशा 2 से खत्म हो जाएगा। 2, 7 जा होता है 14 है ना, 1 बचा, 1, 6 नीचे आया तो 16, 2, 8 जा 16 जैसे भी डिवाइड करते हैं, वो सिंपल डिवाइड कर रहे हैं। फिर से 8 इवन नंबर है तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2, 3 जा 6, 1 बचा 18, 2, 9 जा होता है 18। अब देखो 39 किससे जाएगा, लास्ट में तो इवन नंबर नहीं है तो ये तो 2 से नहीं जाएगा, तो अगला प्राइम नंबर सोचा, अगला प्राइम नंबर है 3। 3 से जाएगा क्या, तो हर नंबर को ऐड करो, 9 + 3 = 12, 12 तो 3 से डिविजिबल है ना, 3 + 9 = 12 होता है, तो इसका मतलब 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको छोड़ दिया, इसको क्या करना। तो आंसर तो यही लिखा हुआ है, 2 × 2, फिर 3 × 13, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया 2 का सर पे 2 × 3 × 13, दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है। थर्ड पार्ट है 3825 है ना, तो इसको भी ऐसे डिवाइड किया 3825। तो हम सोच पहला प्राइम नंबर 2 आया दिमाग में, 2 तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए है ना, इवन नंबर जो भी, लेकिन 5 तो इवन नंबर नहीं है, ये तो 2 से नहीं जाएगा ना, 2 से नहीं खत्म होगा, तो 3 से हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हर नंबर को हम ऐड करेंगे, तो 8 + 3 कितना होता है 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 13 + 5 कितना होता है 18, तो 18 तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 है ना, डिवाइड कर रहे हैं बस इसको, जैसे भी डिवाइड करते हो, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बस 3 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब फिर से चेक किया, लास्ट में इवन तो है नहीं, तो 2 से तो जाना ही नहीं, क्योंकि यही नहीं 2 से डिवाइड हुआ, तो आगे तो 2 से कभी डिवाइड होगा ही नहीं, तो 3 से भी चेक किया इसको, फिर 2 + 1 कितना होता है 3, 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, तो 15 तो 3 से डिविजिबल है फिर से, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 = 12 है ना, 3 2 = 6, 3 5 = 15, फिर से चेक किया 3 से, 4 + 2 होता है 6, 6 + 5 = 11, 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचा 5, तो 5 से तो दिख ही रहा, लास्ट में 5 है तो इसका मतलब तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो 5 7 जा होता है 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा होता है ना 40, तो बचा 2 रिमाइंडर, 5 उतरा नीचे, 5 5 जा 25, ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5,
से डिवाइड कर, 5 7 जा 35, 17 तो खुद प्राइम नंबर है, 17 तो प्राइम नंबर होता है, इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और एक खुद 17, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। अब आंसर हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, 3 × 3 × 5 से लिखते रहेंगे, 5 × 5 × 17 है ना। अब इसको चाहें तो 3 का स्क्वायर सर पे 2, 5 के सर पे 2, दो बार लिखा इंटू 17 लिख दिया, दोनों सही, ये भी आंसर, ये भी आंसर है। उसी तरह से फोर्थ पार्ट में, ये तो 2 पहला प्राइम नंबर आता है दिमाग में तो, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 3 से चेक किया तो हर नंबर को ऐड करना है अलग अलग करके, 5 + 0 = 5, 5 + 0 = 5, 5 + 5 = 10, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो 5 से तो हो ही जाएगा, लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 1 = 5, 0 0 ऐसे ही 5 1 = 5। अब ये किससे डिविजिबल है, क्योंकि 5 तक तो हम पहुंच चुके हैं तो हमें 2 3 तो इसके पहले वाले तो सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो ना, हमें 5 ये नंबर तो 2 और 3 से डिविजिबल था ही नहीं, तो आगे भी कोई भी नंबर 2 या 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें तो वो तो सोचना ही नहीं, हमें 5 ये सोचना है या 5 के आगे वाला प्राइम नंबर सोचना है। तो क्या ये 5 से डिविजिबल है, देखो लास्ट में 5 के टेबल वाला कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, जो भी नंबर 5 के टेबल में आता है 10 15 5 इस तरह, तो या फिर 0 आ जाए मान लो, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये तो 1 है तो 5 से तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर आता है 7 से सोचा तो इसको, ठीक है अब 7 से इसको करके देखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना है, तो 7 से इसको डिवाइड किया ना, डिवाइड 7 कितनी बार में जाएगा, 10 देखो 7 1 जा 7 होता है, 3 बचा रिमाइंडर, यहाँ 0 नीचे उतर आया 30 हो गया, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 है ना, 28 इसको रिमाइंडर कितना आया 2, ये मतलब जो सबट्रैक्ट होके कितना आया 2, फिर ये वाला 1 उतर आया नीचे, 7 3 जा 21 देखो डिवाइड हो गया है ना, रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट में, तो 143 से चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 कितनी बार में गया, 143 टाइम्स में। अब ये किससे डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, देखो 7 2 जा 14 होता है, लेकिन 3 तो बच जाएगा रिमाइंडर, फिर हमें डेसिमल लगाना होगा, तो 7 से तो नहीं जाएंगे भाई साहब, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आता है, तो 11 से चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, 143 को 11 से करो, करो भैया, 11 1 जा 11 क्या है यार ये, 11 1 जा 11 कितना बचा, 3 है ना, 3 उतर आया नीचे ये वाला फट से, 11 3 जा 33 चले गए, रिमाइंडर 0 आ गया 13 टाइम्स में, 11 से तो हो गया ये, ठीक है खुशी की बात, 11 कितनी बार में गया था, 13 बार में, अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे चुप हो जाएंगे और आंसर बता देंगे, 5 × आंसर क्या है, लिखने की जरूरत है क्या, 5 × 7 × 11 × 13 यही आंसर है ना। ये लास्ट वाला पार्ट ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये इतना जल्दी नहीं सॉल्व होगा, तो हम 2 से चेक करेंगे, 2 पहला प्राइम नंबर आता है भी, 2 पहला प्राइम नंबर, तो 2 से चेक किया, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए था 2 से डिवाइड होने के लिए इसको, तो है वो तो है नहीं, तो 2 से तो ये नहीं होंगे, 3 से चेक किया, 3 से डिविजिबल होने के लिए हर नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 7 + 4 कितना होता है यार, 11 है ना, 7 + 4 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 9 कितना होता है, 22 है ना, 22 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 21 आता है, 22 नहीं आता है, ठीक है 3 से भी नहीं होंगे, 5 से तो होना ही नहीं क्योंकि है ना 9 है लास्ट में 5 के टेबल वाला कोई नंबर होना चाहिए ना, या फिर 0 होता तो भी 5 से हो जाता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, ये 7 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो, 7 से भी नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, डेसिमल लगाना होगा, 7 के बाद प्राइम नंबर 11, ये 11 से भी नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ कर रहे थे ना चेक, उसी तरह करोगे तो 11 से भी नहीं जाएंगे, तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 13 से भी ये नहीं डिवाइड होगा, बहुत खतरनाक, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 17 से, जब 17 से डिवाइड करते, देखो करते हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे बताया, लेकिन हमें चेक करना होगा, हम 11 से भी करेंगे 13 से भी करेंगे, तो हम 7 इसको करते हैं 17 से डिवाइड, तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 17 4 जो होता है 68, 17 के टेबल में 17 4 जो होता है 68 बचा, यहाँ से इसको घटा लिया 6 बचा, 2 भाग के उतर आया नीचे जल्दी से 62,
तो 62 कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में तो 68 होता है, तो इससे कम लगाना होगा, तो 3 टाइम्स में लगाएंगे जो कि होता है 17, 3 जा कितना होता है 51 होता है, 2 में से 1 गया 1, 11 बच गया, 9 उतर आया भाग के, अब 119 तो चला जाएगा, 17 7 जा होता है, 17 7 जा होता है 119, तो ये तो 0 आ गया रिमाइंडर, इसका तो डिवाइड हो गया 17 से, कितनी बार में हुआ 437 टाइम्स में ना, 437 टाइम्स में चलेगा। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, अब ये भाई साहब 17 से नहीं होंगे डिविजिबल, 17 से जब चेक करोगे, इससे पहले तो चेक ही नहीं करना है, यही नहीं हुआ इसके पहले वालों से, तो ये क्या होगा, ये आगे वाले क्या होंगे, तो 17 से तो ये नहीं होगा, ये 19 से हो जाएगा, देखो 19, तो इसको 19 से डिवाइड कर लिया, 19 2 जाना 19 3 57 होता है, 2 टाइम्स में जाएगा, 19 2 38, और यहाँ 5 बच गया, 43 - 38 कितना हुआ 5, 7 भाग के उतर आया तुरंत नीचे फट से, 19 3 57 होता है, ये तो डिवाइड हो गया 23 टाइम्स में, लिख देंगे 23 खुद एक प्राइम नंबर है, अब आगे करने क्या जरूरत है, 17 × 19 देखो आंसर लिखा जा रहा है, 17 × 19 × 23 ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह सॉल्व करेंगे।